तो सुमर, इस दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ अजीबोगरीब हो रहा है, इसलिए आज आपके लिए हम लेकर आए हैं ये कमाल की वीडियो, जिसमें आज हम एक बार फिर आपको ऐसे कमाल के वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे जो ना सिर्फ आपको हैरान कर देंगे बल्कि इस वीडियो के एंड तक आपको हिला कर रख देंगे। दोस्तों, वीडियो के पहले क्लिप की शुरुआत एक ऐसे वाक्या से करते हैं जो है तो पुरानी मगर है बड़ी शॉकिंग। ये वाक्या साल 2017 का है, जो बंगलोर के किसी गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये वाक्या कुछ ऐसे था कि एक लड़की एक ऑटो से नीचे उतरते हुए किसी गली में दाखिल होते हुए नजर आती है, जिसका पीछा करते हुए इसका रास्ता रुकते हैं दो मनचले। ये बेशरम लोग ना सिर्फ इस लड़की का रास्ता रुकते हैं बल्कि इसके साथ छेड़खानी भी करते हैं। इस क्लिप में आप अगर एक बार गौर से देखेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा, और वो ये कि आपको कुछ दूरी पर यहाँ कुछ लोग भी दिख जाएंगे जो ऐसी हरकत का मजा लेते हुए बस दूर से ही देखी जा रहे थे। लड़की के साथ नाइंसाफी होते हुए देखकर भी इनमें से किसी ने भी इसको बचाने की कोशिश नहीं की। मनचले लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं और बड़े आराम से यहाँ से निकल भी जाते हैं। एक तो लड़की के साथ गंदी हरकत, ऊपर से लोगों का लड़की की मदद ना करना, समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है हमारे माशरे को। दोस्तों, हम सभी बचपन से सुनते हुए आए हैं कि स्कूल किसी इबादतगाह से कम नहीं होते और असातिज़ा माँ बाप की जगह होते हैं। साल 2017 में एक उस्ताद ने शागिर्द की जैसे धज्जियाँ ही उड़ा दी हों। ये वाक्या भारत के ज़िला असम का है। टीचर का नाम है फैजुद्दीन। यहाँ टीचर ने शागिर्दों के सीने पर हाथ रखकर और कभी इसके कोलों पर हाथ रखकर फोटोशूट करवाया, और खास बात यह है कि इन तस्वीरों को खुद इस टीचर ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर डाला, जिसके बाद ये मामला सामने आया। सुनने में आया है कि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद इस टीचर पर कुछ खासी कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई सख्ती से इस चीज़ का नोटिस लिया गया, जो कि ये शख्स इसी स्कूल की एक फीमेल टीचर के साथ बदफेली करने की कोशिश कर चुका था, जिसके बाद लोगों ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और खूब पिटाई भी की। दोस्तों, ऐसे नीच और घटिया टीचर पर कुमंड तो बनता ही है। दोस्तों, इससे पहले हम रिश्वत लेते हुए कुछ पुलिस वालों को दिखा चुके हैं, इस लिस्ट में शामिल है एक और पुलिस वाला, देखिए जरा इसे। पैसे वापस दे उनके, बस मुझे नहीं पता क्यों नहीं तू वो करता। तू ये मुझे तो अपनी नौकरी प्यारी है, मेरे तो छोटे बच्चे हैं। पैसे दे वापस। तेरी हिम्मत कैसी है कि पहले के टू डॉक्यूमेंट चेक करने वाला कौन होता है? तू मेरे पास क्यों ला? चलान कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? ऑफिसर वो है। भाई और दिल दिल का करता है, मार मार के करे वो कर दू। वीडियो ना बना भाई। तो दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। बड़ी हैरत की बात है कि ये वीडियो इतनी क्लियर थी कि इसमें एक बात बिल्कुल साफ थी कि यहाँ रिश्वत लेते हुए एक पुलिस वाले को दूसरा पुलिस वाला ही डांट रहा है कि तुम तो हरामखोर हो, हमें क्यों बदनाम करवा रहे हो। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है जो समझ से परे होता है। ऐसा ही कुछ एक ऑटो वाले के साथ हो गया, जिसे समझना तो इतना मुश्किल नहीं लेकिन आसान भी नहीं है। एक ऑटो वाला किसी रोड पर खड़ा था कि अचानक एक फिल्मी स्टंट की तरह हवा में उड़ने लगता है और दूर जाकर गिरता है। एक लम्हे के लिए तो किसी को समझ में नहीं आया, मगर इसकी सीसीटीवी फुटेज को एक आध बार देखा गया तो समझ में आया कि ये सड़क पर ही पड़े किसी वायर के ऊपर खड़ा था, और जैसे ही किसी चीज़ की वजह से ये वायर खींची तो ये वायर के साथ ही उड़ते हुए चला गया। तो सुकमठ में बताइए कि इतनी तेज़ी से वायर किसने खींची होगी जिसकी वजह से एक आदमी हवा में उड़ने लग गया। कुछ भी कहने से पहले आप एक नज़र इस वीडियो क्लिप पर डालिए। किसी गांव में इस लड़की को किसी अनपढ़ और गवार लोगों की वजह से किसी के साथ पकड़ लिया जाता है, जिसके इस लड़की ने बड़ी बहादुरी से सामना करते हुए ने बताया कि वो इनसे डरती नहीं है। पुलिस को फोन कर देना, बस यार बात कर दो। सरपंच ने बुला लो और उन्हें बुलाओ। अरे ना साइड में कर लो ना तो।
और ये सच भी है क्योंकि हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि मुल्क का शहरी होने के नाते हमें ये हक हासिल है कि हम मुल्क में कहीं भी घूम फिर या आ जा सकते हैं, फिर चाहे हम किसी लड़के के साथ हों या किसी लड़की के साथ, मगर कुछ शरायतों ज़वाबत में रहकर। तो कमेंट करके बताइए कि लोगों ने सही किया कि गलत। अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो ये वीडियो आपको हैरत में डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक इंसान अपना एक आईफोन रिपेयर करवाने के लिए एक शॉप पर पहुँचता है, मगर तभी अचानक वो होता है जो सबके होश उड़ा देता है। ये अभी इस मोबाइल को हाथ में लिए बैठे ही होता है कि अचानक इसका मोबाइल धुआं छोड़ने लगता है और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होते ही ये इंसान और दुकानदार इसके साथ साथ यहाँ बैठे लोग एकदम से चौंक उठते हैं। फ़ोन की हालत आप लोगों के सामने है। अगर आप एक स्मार्टफोन एक्सपर्ट हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। दोस्तों इस वीडियोस की सीरीज़ के बीच हम आपको एक बड़ी कमाल की फनी वीडियो दिखाते हैं, सो देखिए और मज़े लीजिए इस वीडियो के। तो देखा अपने कुत्ते फिल्मी कुत्तों से कम नहीं है जो सिर्फ गेट बंद करने पर एक दूसरे पर गराते हुए भौंकते हैं। ऐसे नौटंकीबाज कुत्तों पर एक कमेंट तो बनता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।